हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर जो मेनली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो चैप्टर है फिजिक्स का, उसके टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर में से ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो शायद ही आपका कोई क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट चैप्टर में से जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 90% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर, तो हमारी इस क्वेश्चन सीरीज को आप पूरा का पूरा देखिएगा। ये आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स के चैप्टर 1 के साथ। तो ये फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है ये आपको करने ही करने हैं, इनको जो है बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जो है कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको करके जाना है एग्जाम से पहले। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ड्रा पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर वेरियस चार्जेज एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आपको अच्छे से कर जाना है फ्रेंड्स, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। इसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो राइट स्टेबल एंड इनस्टेबल कंडीशन व्हाट विल हैपन इफ इट इज कैप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्वेश्चन फ्रेंड जो टॉर्क वाला है आपका जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो कोई स्टेट बोर्ड हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है रिपीट हुआ है और चांसेज है कि 2021 में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप 12th क्लास में हैं और जेई मेन एंड एडवांस 2022 के लिए अर्ली प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अर्ली एंथ्यूएस 2.0 बैच। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो है आपको कोटा की फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा और ये बैच जो है 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस बैच के अंदर आपको अमरनाथ आनंद सर जो है मैथ्स पढ़ाएंगे, विशाल जोशी सर जो है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सुरेंद्र कुमार मिश्रा सर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाएंगे, अमित गुप्ता सर आपको फिजिक्स करवाएंगे और अखिलेश कांथर सर जो कि को फाउंडर एंड डायरेक्टर है न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के, तो इन सभी एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। टीम न्यूक्लियस के जो एजुकेटर हैं जो कि कोटा की टॉप फैकल्टी है। तो दोस्तों, अगर आप आईआईटी जेई के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस बैच के अंदर ज़रूर एनरोल कर लीजिए, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप 2022 के लिए अच्छी प्रिपरेशन इस बैच के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूं इस बैच में आपको कैसे एनरोल करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, उसको जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप में ओपन करोगे और प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहोगे तो आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन आएंगे, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 18 मंथ 24 मंथ। इनमें से आप कोई भी जो है 1 मंथ का या 3 मंथ का 6 मंथ का कोई भी जो है ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इस बैच में एनरोल करते टाइम ये कोड डाल देते हो एग्जाम इन्फो कैपिटल लेटर्स के अंदर, तो फ्रेंड्स आपको जो है 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहां से मिल जाएगा और आपको जो है 10% का फ़ायदा यहां पर होगा। तो फ्रेंड्स, आप जो है ये कोड डालकर ही इस बैच के अंदर एनरोल करें या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते टाइम ये कोड ज़रूर डाल दें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन डाइपोल स्टेट कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। तो फ्रेंड्स, वर्क डन वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा या इसी क्वेश्चन में से कोई एक या दो लाइन पूछ ली जाएगी वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, एक या दो नंबर में। इसके बाद है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद इट्स यूनिट। या दोस्तों, यूनिट्स आपको सभी याद होने चाहिए जो मैन मैन है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, सब चीज़ों की जो आपको पता होनी चाहिए, टॉर्क की क्या है, स्टेट एंड प्रूव गैस थ्योरम। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरम भी आपको जो है अच्छे से याद कर लेनी है, अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करके लिख कर देख लेनी है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ गैस थ्योरम। ए है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटिव लॉन्ग चार्ज वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया फ्रेंड्स एक तो। इसके बाद है बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी,
और ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी सेल एंड सॉलिड स्फीयर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस। इसके बाद फ्रेंड्स दो जो न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। एक तो आप देख रहे हैं एग्जांपल नंबर 1.8, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड 2.0 × 10⁻⁴ एन सी। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड एंड ए प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन इस केस, कॉन्टेस्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल। एक दूसरा न्यूमेरिकल ये था इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं, इन विच ए इज इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर हाफ स्क्वेयर। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड उसके बाद द चार्ज विद इन द क्यूब, एज्यूम दैट ए इज इक्वल टू 0.1 m, 0.1 मीटर दे रखी है इसकी एक साइड। तो फ्रेंड इस प्रकार से ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट चैप्टर में से आपको अपने एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनको अच्छे से करते जाइएगा और आगे भी हम ऐसी ही वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।